तो साइना मिर्जा और सोहेब मलिक की तलाक की खबर इन दिनों चारों तरफ छाई हुई है। इन दोनों के बीच तलाक फाइनल हो गया है और ये तलाक हुआ है सोहेब मलिक के धोखे के कारण। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर किसकी वजह से साइना मिर्जा को सोहेब मलिक से तलाक लेना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन वो शख्स है जिसकी वजह से साइना मिर्जा और सोहेब मलिक के बीच दरार पड़ गई है। दरअसल साइना और सोहेब के बीच पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस आयशा उमर पर ये आरोप लग रहा है। जैसे ही साइना और सोहेब के बीच आयशा का नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर सोहेब और आयशा की बोल्ड फोटो वायरल होने लगी। ये फोटो शूट इन दोनों ने साल 2021 में कराया था। बताया जा रहा है कि इन्हीं फोटो शूट के बाद आयशा और सोहेब के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और सोहेब साइना से दूर होते चले गए। आयशा पाकिस्तान में काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है। आयशा ना सिर्फ टीवी शो करती है बल्कि ये यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करती रहती है। दोस्तों जब ये मात्र एक साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनको और इनके भाई को इनकी माँ ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आयशा ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर मॉडल की जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एड्स भी किए थे। इन्होंने ना सिर्फ टीवी सीरियल बल्कि आयशा कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। और दोस्तों 2018 में आयशा ने न्यूयॉर्क फैशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से आयशा का नाम साइना और सोहेब के बीच आ रहा है। आयशा के कारण ही साइना और सोहेब का 12 साल पुराना रिश्ता टूट रहा है। दोस्तों साइना मिर्जा और सोहेब मलिक ने साल 2010 में हैदराबाद में शादी की थी और ये काफी दिनों से अपने दुबई वाले घर में रह रही थी और जिसे छोड़कर ये अब वहाँ से जा चुकी है। दोस्तों आपकी इनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।